और बड़ी खबर इस बीच आ गई, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, विरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा और अब एससी ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया, जिसमें मांग उठाई गई थी कि राष्ट्रपति के जरिए उद्घाटन कराया जाना चाहिए। इस याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 28 मई को उद्घाटन समारोह है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सबकी नजरें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया इस याचिका को। अब क्या दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये हम पीयूष से और ज्यादा जानकारी लेंगे। पीयूष हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन हम मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये कहा सर्वोच्च अदालत ने। ऐसी याचिका दाखिल करने पर जुर्माना भी लगाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल याचिकाकर्ता के लिए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात को खारिज कर दिया है कि कोई विरोध ही नहीं है, हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते, याचिका खारिज कर दी है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, याचिकाकर्ता बेतुकी दलीलें दे रहे हैं, ये भी कहा गया दलील रखने वाले पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बहुत बड़ा झटका है इसमें मामले में याचिकाकर्ता पर। जी बिल्कुल निधि, देखिए साफ तौर पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से कि आपका आधार क्या है। जब वो आधार स्पष्ट नहीं कर सके तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और ऐसी याचिका आर्टिकल 32 यानी कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है उसके तहत नहीं दाखिल की जानी चाहिए, ये बेतुकी याचिका है क्योंकि ये रिट पिटीशन दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनका पूरा पक्ष सुना और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में याचिका पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और अभी वो अपने तर्क जारी रखे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो कोई आदेश नहीं जारी करेगा। इसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता पर इस याचिका को दाखिल करने को लेकर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जुर्माना जी पीयूष यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी, जुर्माना लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये बेतुकी याचिका है, इस तरह की बेतुकी याचिका न दाखिल किया जाए याचिकाकर्ताओं की तरफ से। बिल्कुल निधि, देखिए जब भी कोई फ्रिवलेस पिटीशन यानी कि ऐसी बेतुकी याचिका दाखिल की जाती है जिसका कोई आधार नहीं होता, आधारहीन होती है और वो कानून से संबंधित नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकता है जो कानून सम्मत हैं, और कहीं पर अधिकार का यानी कि जो मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को उस पर अगर कोई आँच आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो याचिका आती है जिसमें कोई आधार नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं पर खास तौर पर जुर्माना लगाता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बात कही है, अभी आदेश सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिकाकर्ता की ओर से तर्क रखा जा रहा था तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि उसकी ओर से इस याचिका पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष, अभी पूरा जो फुल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो आना बाकी है, वो डिटेलिंग भी आप बताएंगे, लेकिन इस मामले में जब ये संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसे कोई भवन का या कोई इमारत का उद्घाटन किया जाना प्रधानमंत्री के इसमें नहीं आता या राष्ट्रपति के इसमें नहीं आता, तो फिर ये याचिका का औचित्य ही नहीं रह जाता, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। जी बिल्कुल निधि, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो याचिका आपने दाखिल की है उसमें कोई आधार नहीं है। आधार यानी कि जो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों का हवाला सुप्रीम कोर्ट में याचिका में दिया गया था, दरअसल वो राष्ट्रपति की निहित शक्तियों को लेकर के है, संसद भवन के उद्घाटन और उसके प्रोटोकॉल को लेकर के कोई आधार नहीं था, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा कोई फ्रेम्ड प्रोटोकॉल नहीं है और कहीं संविधान में या किसी तो निर्धारित मतलब एक्ट में या कानून में कहीं ऐसा उद्धृत नहीं है। उद्घाटन समारोह का रास्ता उद्घाटन समारोह का पीयूष बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब तक 22 पार्टियां ऐसी हैं जो बॉयकॉट कर चुकी हैं इस उद्घाटन अवसर का, और अब रास्ता क्लियर है क्योंकि ये 28 मई को होने वाला है और पूरा उसकी रूपरेखा भी आ गई है। देखिए निधि, ये राजनीतिक मुद्दा जरूर हो सकता है,
और इसको आप एथिकल मुद्दा ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन रहा सवाल कानून का, नियम का, तो ऐसा कोई मामला नहीं बनता था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। अब इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विपक्षी दलों को सीधे तौर पर आईना देखने को मिलेगा कि वो जो बात कर रहे हैं वो नैतिक तौर पर गलत ज़रूर हो सकती है या उनके जो आधार हों वो अलग हो सकते हैं, लेकिन रहा सवाल कानून के उल्लंघन का या संविधान के उल्लंघन का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है। मैं चाहूंगी पीयूष, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है या फिर मोबाइल पर जुड़े हैं, एक बार और डिटेल में बताइए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए, डिसमिस करते हुए क्या कहा है। जी निधि, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मामले पर सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस याचिका में कोई आधार नहीं है, इस याचिका पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और इस मामले पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की है उसमें राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनको जरूर अनुच्छेदों में बताया गया है, लेकिन इसमें कोई कानून का या संविधान का उल्लंघन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस मामले पर याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और हम याचिका खारिज कर रहे हैं।